भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 31वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यदायी महीना माना जाता है। इसे साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। इस माह में नित्य प्रति प्रातः काल जल्दी स्नान करना तथा कार्तिक माह के निमित्त दान पुण्य करना अक्षय अनंतकारी माना जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कार्तिक माह के 31वें अध्याय की कथा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की, वो मन रही सबाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु शरण का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। क्योंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन माहिष्मतीपुरी जो राजा माहिष्ठ ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी, उस नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती माँ नर्मदा प्रवाहित होती थी। उसी नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को वहां कुछ दिन विश्राम किया करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देख करके वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ ठहर गया। अपनी माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रत देखता था। वह देखता था कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई ग्रंथ सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हैं। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत तथा वार्तालाप करता रहा। यह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीप माला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसीलिए शिव जी के भक्त इसी तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं, यानी इसको देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। जो मनुष्य मुझसे और शंकर जी में अंतर मानता था, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि काले सर्प ने उसे काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देख करके वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे, और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांध करके कोड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देख करके चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर के आज तक बुरे ही बुरे कर्म किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता है। यदि मैं पूरा एक वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए।
चित्रगुप्त की बात को सुनकर के यमराज ने बड़े क्रोध में आकर के उसे अपना कालनेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर के कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुद्गरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुद्गरों से उसके सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर के खोलते हुए तेल के कड़ाव में उसे डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जो ही तेल के कड़ाव में फेंका तो लप लपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख के प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर के सब हाल सुनाया। यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और धनरेज को धनेश्वर को अपने पास बुला करके स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी का वहां पर आगमन हो गया और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म किया हो या न किया हो, सहज ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दे दो और इसे केवल पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसा कह करके चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। इस प्रकार कार्तिक माह के 31वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकर सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है। कथा के निमित्त यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या कार्तिक माह के निमित्त वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान, फलाहार, भोजन या कोई भी दान यदि आप करना चाहते हैं तो उस हेतु नगद राशि आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्यफल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।